मेरे एमएससी सेकेंड सेमेस्टर के प्यारे छात्र छात्राओं, जब तक कॉलेज खुल रहे थे हम लोग एनएमआर के बारे में पढ़ रहे थे और अभी एनएमआर को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। इसी का रिकैप मैं आप लोगों को एक बार दे देता हूँ, अभी तक हमने एनएमआर में क्या क्या पढ़ाई की है। देखिए, एनएमआर जो है वो एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एनालिसिस करते हैं और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के फ्रेगमेंट्स को चेक करते हैं। उसमें देखते हैं कि कितने हाइड्रोजन है, कितने कार्बन है, और बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट टेक्निक 1H और 13C इसमें हमारी हेल्प करती हैं इस फ्रेगमेंट्स को जानने में कि कितने हाइड्रोजन हैं, जो कि हम 1H NMR के थ्रू जानते हैं, और कार्बन की संख्या जानने के लिए हम कार्बन 13 के बारे में पढ़ते हैं। और यही दोनों टेक्निक्स हमें बताती हैं कि कितने कार्बन है, उनका एनवायरनमेंट किस तरह का है। तो इसी टेक्निक को हम आगे लेबोरेटरी वे में पढ़ते हुए पहले हम देखते हैं कि एनएमआर होती क्या है, एनएमआर किस तरह से वर्क करता है। जो हमारा न्यूक्लियस होता है, वह न्यूक्लियस एक चार्ज्ड पार्टिकल होता है और ये चार्ज्ड पार्टिकल अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वह एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। यह जरूरी नहीं है कि सभी के सभी न्यूक्लियस एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो, लेकिन कुछ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होते हैं और कुछ उसके अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। लेकिन इस अलाइनमेंट से हमें फायदा क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या मिलता है? जब हम किसी रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन को इन अलाइन न्यूक्लियस के ऊपर डालते हैं तो वो अपनी फ्लिपिंग शो करते हैं। और फ्लिपिंग क्या होती है, किसी भी न्यूक्लियस का एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में बदल जाना ही उसकी फ्लिपिंग कहलाता है। इस पिक्चर के माध्यम से आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में जो एक स्पिनिंग प्रोटॉन है वह एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। जब ये सारे के सारे न्यूक्लियस अलग अलग डायरेक्शंस में फैले रहते हैं, लेकिन जब हम कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट अप्लाई करते हैं तो ये सब के सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, आइदर इन द सेम डायरेक्शन और इन द अपोजिट डायरेक्शन। यहां से आप देख सकते हैं कि हमारे पास में दो तरह की एनर्जी स्टेट्स बनती हैं, एक वो जो कि अलाइन इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरी अलाइन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों एनर्जी स्टेट्स अलग अलग एनर्जी में रहती है और इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है यही हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन से मीट आउट किया जाता है। जब हम किसी रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन को इन न्यूक्लियस के ऊपर डालते हैं तो ये न्यूक्लियस अपनी दिशा बदल देते हैं, एक दिशा से दूसरी दिशा में चले जाते हैं। इस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जब हमारा कोई भी न्यूक्लियस यहां पर बिना किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के रहता है वह किस किस डायरेक्शन में है, और जब हम इसमें कोई एक्सटर्नल रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन का इस्तेमाल करके इसको एनर्जी देते हैं तो यह अपनी दिशा को एक से दूसरी डायरेक्शन में कर लेता है। इस एक दिशा से दूसरी डायरेक्शन में जाने में ही हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, और वह एनर्जी रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन के माध्यम से दी जाती है। तो ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन की एनर्जी और इस न्यूक्लियस की फ्लिपिंग, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के कंपेटेबल हो जाते हैं तभी हमारा रेजोनेंस क्रिएट होता है। क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है रेजोनेंस के लिए और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो कि उसको अलाइन करता है, इन दोनों में सीधा सा रिलेशन है। जो रेडियो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी की जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है उसका न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। द स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड द लार्जर इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स। So, यहां पर दो वेरिएबल कैरेक्टराइज किए जाते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोप में, एक हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है, दूसरा हमारा फ्रीक्वेंसी होती है जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से दी जाती है। ये हमारी एक फिगर है एनएमआर इंस्ट्रूमेंट की, इसको हम देख सकते हैं। और बच्चों, ये एग्जाम में आ जाता है कि आप एक स्केमेटिक डायग्राम शो करें जिसके थ्रू आप ये बता सकें कि हमारा एनएमआर इंस्ट्रूमेंट किस तरह का दिखता है और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और यह किस तरह से वर्क करता है। जो प्रोटॉन्स होते हैं वो हमारे डिफरेंट एनवायरमेंट में रहते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर उनका
इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट, उनका मैग्नेटिक एनवायरनमेंट दोनों ही डिफरेंट होते हैं और ये स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर ही एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। सो ये इजीली डिस्टिंग्विशबल होते हैं एनएमआर के थ्रू और किसी टेक्निक के थ्रू ये डिस्टिंग्विशबल नहीं होते हैं। द फ्रीक्वेंसी एट विच अ पर्टिकुलर प्रोटॉन एब्जॉर्ब्स इज डिटरमाइंड बाय इट्स इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट। अब हम बात करते हैं ओनली न्यूक्लियस दैट कंटेन ऑड मास नंबर, वो कौन से हैं जो कि हमारा एनएमआर एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। तो एनएमआर एक्टिव कंपाउंड्स के लिए हमारे सबसे पहले होनी चाहिए हमारी एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई कौन सी होती है, और उस एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई के लिए जरूरी है कि जो हमारा ऑड मास नंबर को कंटेन करते हैं, जैसे 1H13C, 19 फ्लोरीन, 31 फॉस्फोरस, ये इस तरह के, और जिनका एटॉमिक नंबर ऑड हो, जैसे 2H14N, ये हमारे एनएमआर सिग्नल्स को प्रोवाइड कराते हैं। ये हमारा एक एनएमआर स्पेक्ट्रम है। अगर हम देखें इसमें यहां पर जो पीक दी जाती है वह डेल्टा स्केल पर दी जाती है, एक रेफरेंस लिया जाता है टेट्रामिथाइल साइलेन, जिसके बारे में मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, और इसके रेफरेंस में ही इनकी पीक को मेजर किया जाता है। एक अपफील्ड होता है और एक डाउनफील्ड होता है। अगर हम इस फिगर में देखें तो इस फिगर में जो बढ़ता हुआ क्रम है लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जो जाता है, उल्टी दिशा में जो जाता है, वह हमारा डाउनफील्ड डायरेक्शन होती है और बढ़ते हुए क्रम में हमारी अपफील्ड डायरेक्शन होती है, और इसमें हमारा फील्ड ज्यादा हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाता है, और इसकी जो यूनिट होती है वह डेल्टा से इसको मेजर किया जाता है। बात करते हैं केमिकल शिफ्ट की। केमिकल शिफ्ट होती क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि टेट्रामेथाइल साइलेन के रेस्पेक्ट में हम एक पीक से दूसरी पीक को मेजर करते हैं, और ये जो डिफरेंस होता है दोनों पीक के बीच का, टेट्रामेथाइल साइलेन और दूसरी पीक के बीच का डिफरेंस ही हमारा केमिकल शिफ्ट कहलाता है। द केमिकल शिफ्ट ऑफ द एक्स एक्सिस गिव द पोजिशन ऑफ एन एनएमआर सिग्नल, ये एनएमआर सिग्नल की पोजिशन बता रहा है, ठीक है, जो कि मेजर किस में किया जा रहा है, पार्ट्स पर मिलियन में। पार्ट्स पर मिलियन इज 1×10⁻⁶। तो हम इसको इस इक्वेशन के आधार पर निकालते हैं जिसमें केमिकल शिफ्ट दी जाती है, ऑब्जर्व केमिकल शिफ्ट जो कि हर्ट्ज में होती है, इन द डाउनफील्ड फ्रॉम द टीएमएस, टीएमएस से डाउनफील्ड डायरेक्शन में, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, दैट वुड बी इन हर्ट्ज ऑल्सो, ये भी हमारी हर्ट्ज में ही होनी चाहिए। जब हम एनएमआर सिग्नल को रिपोर्ट करते हैं तो वहां पर फ्रैक्शन ऑफ एनएमआर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, इसको भी रिपोर्ट किया जाता है, और जब हम इसको पीपीपी में देते हैं तो इसकी यूनिट भी एज पीपीएम दी जाती है। चार तरह के डिफरेंट कैटेगरीज के 1H स्पेक्ट्रम हमारे चार इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। पहली, नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हैं, दूसरी, पोजिशन ऑफ सिग्नल क्या है, तीसरी, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल क्या है, और चौथी, उनके बीच की स्प्लिटिंग कितनी है। बिफोर गोइंग टू द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ केमिकल शिफ्ट, इन द केमिकल शिफ्ट ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहूंगा कि फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। देखिए, जब भी कोई सिग्नल हमारा कैप्चर किया जाता है, अगर इसका हम एग्जाम्पल लेंगे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, अगर हमारे पास में तीन तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और ये तीन तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में वायलिन है, दूसरा, जब वायलिन का कोई साज बजता है तो वह डिफरेंट तरह के इंटरफ्रेंस पैटर्न को शो करता है, और अगर जो कि मिक्स होता है अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसीज के साथ में, अगर हम इस फ्रीक्वेंसी की नोट्स को ऑब्जर्व करें तो हम एक तरह के फ्रीक्वेंसी नोट्स को पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि जो हमारा साज बज रहा होता है वो पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी पर नहीं बज रहा होता है, उसके साथ में छोटी छोटी फ्रीक्वेंसीज की वाइब्रेशंस भी लगी होती हैं। तो ये जो हमारा, इसका मैं आपको डिटेल्स फॉरवर्ड करूंगा, आप इसके बारे में पढ़िएगा, और उसके बाद में जो भी आपकी क्वेरी हो वह मुझसे पूछ सकते हैं। अगर हम देखें, मैं आपको इसके बारे में बता भी देता हूं, अगर हम दूसरा कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जो कि सेम नोट पर साउंड्स प्रोड्यूस करता है और डिफरेंट पैटर्न ऑफ हार्मोनिक्स देता है, तो ये जो डिफरेंट इंटरफ्रेंसेस ऑस्किलोस्कोप पर हमें मिलती हैं यह भी अलग तरह की होती है, लेकिन सेम फ्रीक्वेंसी पर
ऑब्जर्व की जाती है। इसी तरीके से अगर हमारे पास में कोई तीसरा इंस्ट्रूमेंट आ जाता है तो तीसरा इंस्ट्रूमेंट भी सेम पैटर्न से डिफरेंट पैटर्न को ही दोबारा से प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो सेम फ्रीक्वेंसी का पैटर्न होता है। तो अगर हम ब्रॉड व्यू में देखें तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है, तीनों तरह के जो इंस्ट्रूमेंट है, वो दो तरह से उनकी फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर किया जाता है। एक ऑस्किलोस्कोप में जो शो की जाती है इंटरफेरेंस पैटर्न में, ये इंटेंसिटी के साथ में चेंज की जाती है, इंटेंसिटी चेंज की जाती है टाइम के साथ में, यानी कि द ऑस्किलोस्कोप शोज द इंटरफेरेंस पैटर्न एज चेंजेस इन द इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। इसी तरह से जो हमारा दूसरा द इंस्ट्रूमेंट इंटरफेरेंस पैटर्न कैन आल्सो बी कंपेयर्ड बाय प्लॉटिंग द फ्रीक्वेंसी एमिटेड शोइंग द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ ईच फ्रीक्वेंसी एज दिस इंफॉर्मेशन इज मच मोर इजीली कंप्रिहेंडेड। अगर दो तरह से इंफॉर्मेशन दी जाए, एक इंटेंसिटी वर्सेस टाइम के अकॉर्डिंग दी जाए, दूसरी इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग दी जाए, तो इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो मोर कॉम्प्रिहेंड होती है। और दूसरे इंटरफेरोग्राम के रेस्पेक्ट में तीनों को सेपरेट आउट करने में मदद करती है। यहां पर जो हमारा मैग्नेटिक एनवायरनमेंट जिससे कि कोई भी न्यूक्लियस घिरा होता है, अगर हम उसको डिस्टर्ब करते हैं तो उसका जो डिस्टरबेंस होता है मैग्नेटिक एनवायरनमेंट का, दैट कैन बी कंसिडर्ड बिकॉज द टू इट डिपेंड्स अपॉन टू वैल्यूज, वन इज फ्रीक्वेंसी एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब आप इन दोनों चीजों को कंपेयर करेंगे, फ्रीक्वेंसी को और मैग्नेटिक फील्ड को, तो इनमें से हमारे पास में दो तरह के इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं। एक वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करें और मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखें, और दूसरे इस तरह के इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करें और रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स को स्टेबल रखें। इन दोनों ही तरह के इंस्ट्रूमेंट में ये खासियत होती है कि जो हमारे जहां पर मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कराया जाता है, वह जो हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी को वेरी कराकर हम मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी को भी वेरी कर सकते हैं। जबकि रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स को अगर हम वेरी करते हैं तो हमारे डिफरेंट तरह के फ्रीक्वेंसीज हमें सेम मैग्नेटिक फील्ड पर मिल जाती हैं। तो यहां पर कहने का आशय इस बात का है कि अगर हम अपने रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स को वेरी कराते हैं और एक ही फ्रीक्वेंसी के नियर अबाउट बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज ले लेते हैं तो हमारे सभी तरह के न्यूक्लियस उन फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। जबकि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करेंगे तो डिफरेंट तरह के न्यूक्लियस उस मैग्नेटिक फील्ड की अप्रोच में नहीं आ पाते हैं। यह बात समझने की है कि अगर हम अपना रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स को वेरी कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड को स्टेबल रख रहे हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियस को एक ग्राउंड स्टेट से अपर एनर्जी या हायर एनर्जी स्टेट में ले जाने में सक्षम होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि फ्रीक्वेंसी फूरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू हम इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जहां पर हम मैक्सिमम न्यूक्लियसेस को लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में पहुंचा सके। और फूरियर ट्रांसफॉर्म का बेनिफिट हमें क्या मिलेगा कि यह हमें बहुत ही जल्दी में रेडियो फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कराने की टेंडेंसी प्रोड्यूस करेगा। डिफरेंस दोनों में कुछ नहीं है, डिफरेंस केवल इतना है कि एक जगह जो हमारा इंटेंसिटी है दैट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम और दूसरी जगह इट इज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी मींस द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। सो इन रेसिप्रोकल ऑफ टाइम मींस द इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये हमें अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकते हैं, जहां पर जो हमें पीक्स मिलेगी वो हमें शार्प पीक्स और बाइफर्केटेड पीक्स ऑब्जर्व हो सकती है। इस फूरियर ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोस्कोपी को जब आप स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि हम ज्यादा पीक्स को अलग अलग तरीके से कंप्राइज कर सकते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको एक छोटी सी पिक्चर के थ्रू दे देता हूं। अगर प्यारे बच्चों, इस अगर आप पिक्चर को देखेंगे तो यहां पर यह टाइम
टाइम स्केल में फ्रीक्वेंसी नोट की गई है जहां पर हमारे न्यूक्लियस अपने आप को रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स के साथ में एक जगह से दूसरी जगह लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं और ये पल्स और डीके हमें ऑब्जर्व होती है। जबकि अगर हम इसी चीज को विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी मेजर कराते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी हमें ये सारे के सारे नोड्स ऑब्जर्व हो जाते हैं। और इसके बाद में विद फ्रीक्वेंसी स्केल पर हमें डिफरेंट टाइप्स की पीक्स ऑब्जर्व होती है। यदि हम इन पीक्स के आधार पर इस ग्राफ को पाना चाहेंगे तो यह भी हमें कॉम्प्लेक्स ग्राफ मिलेगा जिसका कोई भी फायदा हम नहीं उठा पाएंगे। इसलिए इस फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में या फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जरूरी है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वह पीक्स को कन्वर्ट करे, उनकी इंटेंसिटी को कन्वर्ट करे विद रिस्पेक्ट टू देयर फ्रीक्वेंसी। आज फूरियर ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो मैंने आपको बताया इसको आप पढ़िएगा, और अगर आप कुछ और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे भेजे गए नोट्स के द्वारा आप मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू।